हाँ अब देखो ज़रा, अगर मैं सिमिलर ट्राइंगल की बात करूँ, ज़रा ध्यान से देखना, सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी तुमने नाइन्थ में पढ़ी होगी या टेंथ में पढ़ी होगी। मान लो ये ए बी है, ये ए डैश बी डैश है और ये ओ है, ये ट्राइंगल मैंने बड़ा वाला बनाया, ठीक है। तो ये सिमिलर ट्राइंगल हैं दोनों कि नहीं? दोनों ओ ए बी और ओ ए डैश बी डैश सिमिलर ट्राइंगल हैं, है ना। एंगल ये यहाँ पर 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये दोनों कॉमन एंगल हैं, दोनों का, दोनों ट्राइंगल का कॉमन एंगल है, ठीक है। दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा तो इक्वल होना ही है, ये वाला इसके इक्वल होगा ही, तो ट्राइंगल हो गया ना ट्रिपल ए के कैरेक्टरिस्टिक से, ट्रिपल ए ए ए ए की कैरेक्टरिस्टिक से ये सिमिलर हो गया। अब देखो सिमिलर होने का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। इसका मतलब है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ओ बी डैश अपॉन ओ बी, ये होगा। इवन इसकी जगह आप ये भी ले सकते हो, ध्यान से देखना, ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश इज इक्वल टू ए बी अपॉन ओ बी, ये भी होगा। पॉइंट समझ में आया? अब ज़रा ध्यान से देखो, ये ए डैश बी डैश इज अपॉन ओ बी डैश, ये वैल्यू ए बी, ए बी अपॉन ओ बी के इक्वल है, तो इसकी जगह बीटा की जगह जो टेन बीटा है उसकी वैल्यू ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश है, इसकी जगह आप ले सकते हैं ए बी अपॉन ओ बी ले सकते हैं। अब ध्यान से देखना, ए डबल डैश बी डैश बराबर है ए बी के, यानी एच के बराबर है, यानी इस ए डबल डैश बी सिंगल डैश को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ए बी लिख सकते हो, ए बी अपॉन ओ बी डैश लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, ठीक है। अब ज़रा ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखो, अब ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूँ, जैसे मैंने, अगर आप सीधे इसको अगर ये ना लिखना चाहो तो बीटा की वैल्यू अगर ऐसे लिखना चाहो, ध्यान से देखना, बीटा की वैल्यू मैं ये रखने जा रहा हूँ ए बी अपॉन ओ बी डिवाइडेड बाई अल्फ़ा की वैल्यू ए बी अपॉन ओ बी डैश, तो ए बी, ए बी कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ओ बी डैश अपॉन ओ बी आएगा, ओ बी डैश क्या है, ओ बी डैश ये है ओ से बी तक, और ओ बी क्या है यहाँ से यहाँ तक, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है ना, ऑब्जेक्ट की पोजीशन यू है, और ये इमेज बन रही है। मान लो आपकी आँख यहाँ पर है, ये आपकी आँख है, ये ऑब्जर्वर की आँख है, किसकी है, ऑब्जर्वर की आँख है, ध्यान से देखना, ये ऑब्जर्वर की आँख लेंस से बहुत नज़दीक है और ये इमेज बन रही है, मान लो डिस्टिंक्ट विजन पे, कहाँ बन रही है, डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट विजन का मतलब 25 सेंटीमीटर, डिस्टिंक्ट विजन का मतलब 25 सेंटीमीटर, तो ये इमेज जो बन रही है ए डैश बी डैश वो आपकी आँख से डी डिस्टेंस पे बन रही है, मान लो इसको मैं डी यहाँ लिख देता हूँ, आपकी आँख से ये इमेज जो बन रही है वो डी डिस्टेंस पे बन रही है, तो ओ बी डैश, ओ बी डैश कितना होगा, डी के बराबर होगा, ओ बी डैश डी के बराबर होगा, ओ बी यू के बराबर होगा, दोनों निगेटिव हैं इसलिए प्लस में आ जाएंगे, क्योंकि ये भी निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा, करेक्ट है, तो मैंने प्लस उसको निगेटिव यूज़ नहीं किया सीधे, ठीक है, डी अपॉन यू कर दिया मैंने, ठीक है। तो मैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू डी अपॉन यू आ रही है, करेक्ट है, एंगुलर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू डी अपॉन यू आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं ना है। अब देखो ज़रा ध्यान से देखो, हम लोग ये जानते हैं कि वन और लेंस फॉर्मूला होता है वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, ठीक है, करेक्ट है, सही है। तो डिस्टिंक्ट विजन पे अगर ये बन रहा है इमेज, तो क्या होगा, वन अपॉन
माइनस डी माइनस वन अपॉन माइनस यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, अगर इसको उधर ले जाएंगे वन अपॉन यू इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन डी हो जाएगा, वन अपॉन यू की वैल्यू होगा ना। अब इस वन अपॉन यू की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, ये वैल्यू वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन डी की वैल्यू, ये वाली वैल्यू वहाँ रख सकते हैं, रखेंगे तो क्या आएगा, m इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, d इंटू वन अपॉन यू की वैल्यू रखना है हमको, ये वन अपॉन यू की वैल्यू जो निकाला है हमने लेंस फॉर्मूला से, ठीक है, तो ये वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, ब्रैकेट d इंटू वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन डी, ये आएगा। अब d अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो m इज इक्वल टू, अगर मल्टीप्लाई करें तो ये तो वन हो जाएगा, डी इंटू वन अपॉन डी, डी वन कट जाएगा, वन आ जाएगा, डी अपॉन एफ आ जाएगा, तो मैग्नीफिकेशन कितना आ गया, मैग्नीफिकेशन कितना आ गया, इसको हटा दे रहे हैं, वन प्लस डी अपॉन एफ आया, वन प्लस डी अपॉन एफ आया, मैग्नीफिकेशन एंगुलर मैग्नीफिकेशन आया, ठीक है। ये कब आया, जब इमेज बन रही है डिस्टिंक्ट विजन पे, इमेज कहाँ बन रही है बोलो, इमेज कहाँ बन रही है, हो गया, ठीक है, तो इमेज कहाँ बन रही है, डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, उस केस में लीनियर मैग्नीफिकेशन आ रहा है, वन प्लस डी अपॉन एफ आ रहा है। अब ज़रा सोचो, ये ऑब्जेक्ट अगर आ जाए फोकस पे, ये ऑब्जेक्ट आ जाए मूव करके यहाँ पर फोकस पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज बनेगी इन्फिनिटिव पे, छठा पांचवा केस हो जाएगा, याद करो अभी हम लोग रे डायग्राम मतलब कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग ने डिस्कस नहीं किया था, अलग अलग पोजीशन पे फोकस पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज इन्फिनिटिव पे बनेगी। पांचवा, छठा नहीं, ये छठवां था, ये छठवां केस है जो हम लोग डिस्टिंक्ट विजन में बनवा रहे थे, पहले देखो फिर से, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं मार खाओगे आज बहुत अच्छे से, हम क्या बोल रहे हैं, क्या देखा, हाँ वो पांचवा है और ये कौन सा है, ये छठा है, फोकस के अंदर ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, इन दोनों के बीच में है, तो ये छठा केस है, ठीक है, और पांचवा वाला है फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट हो तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। तो अगर फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट आ गया, ये ऑब्जेक्ट मूव करके यहाँ फोकस पे आ गया, इमेज यहाँ नहीं बनेगी, अब इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, इधर या उधर जो भी कहो, ठीक है, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। तो अब उसमें ध्यान से सुनना, अब v की वैल्यू इन्फिनेटिव हो जाएगी ना, v की वैल्यू इन्फिनेटिव, इस केस में v इन्फिनेटिव हो जाएगा और u माइनस यू है, तो वन अपॉन इन्फिनेटिव माइनस वन अपॉन माइनस यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, यानी वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ हो जाएगा ना इस केस में, क्योंकि v तो इन्फिनेटिव हो गया, ऑब्जेक्ट इमेज की पोजिशन इन्फिनेटिव हो गई, तो वन अपॉन यू की वैल्यू वन अपॉन एफ के बराबर है। तो इस फॉर्मूले में जो मैग्नीफिकेशन होगा m इज इक्वल टू, वो हो जाएगा डी अपॉन एफ हो जाएगा। अब दो केसेस हैं, ध्यान से सुनना, जब इमेज बन रही है कहाँ पर, इमेज बन रही है, पहले मैं इसको नोट कर लो फिर बता रहा हूँ।